हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट डिग्री और डिप्लोमा के 2020 और 2021 के पास आउट है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसकी जो PDF है मैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उधर से आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं डायरेक्टली बात करूंगा कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल या कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा, उस पर सर्च बार में MHRD नॉर्थ सर्च करना होगा। तो बहुत से लोग होंगे जो डायरेक्ट डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करके अप्लाई करना सोचेंगे, बट इसमें आप डेस्कटॉप साइट यूज़ मत करिएगा, बिकॉज इसमें मैंने जब यूज़ किया था तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो ईमेल और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। जो आदमी ने इसमें अभी तक अभी रजिस्टर नहीं किया है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, उस पर देख के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर इधर लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको सामने आपकी सब डिटेल्स आ जाएगी, डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाद में आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन के आइकन दिखेंगे, उसमें आपको फाइंड एस्टैब्लिशमेंट पे क्लिक करना होगा। उस पर आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन में देखना होगा, आपने ग्रेजुएट किया तो ग्रेजुएट और डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, जैसे कि मैंने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, और कौन से ब्रांच से किया है। लाइक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर लूँगा। अब आपको सेक्टर देखना है, सेक्टर में आपको सेंट्रल रखना होगा, रीजन आपका वेस्टर्न रीजन ही होगा, और जो फॉर्म है ये वेस्टर्न रीजन वाले ही खाली अप्लाई कर सकते हैं। और आपको स्टेट में महाराष्ट्र रखना होगा और सिटी में मुंबई रखना होगा, और जो मैं फिलअप करा वही आपको फिलअप करना होगा, इससे अलग आप फिलअप मत करिएगा। फिर आपको सर्च का ऑप्शन दिखता होगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको फर्स्ट पेज पे तो नहीं दिखेगा, बट आपको नेक्स्ट करना होगा, बाद में आपको दिखेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आया है। तो आपको सिंपली ऊपर एक अप्लाई का बटन होगा, और ऐसे तो आपको डिपार्टमेंट का नाम दिख जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है और ग्रेजुएट और टेक्नीशियन में कितनी है। तो सिंपली आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको लिख देगा सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर जॉब ट्रेनिंग पे पोजिशन। तो आपकी जॉब के लिए आपने अप्लाई सक्सेसफुल कर दिया है, अब जो ये आपने अप्लाई किया है वो पेंडिंग के लिए चल जाएगा। तो पेंडिंग में उधर आपकी देखी जाएगी कि अभी आपका सब जो नेम में सब मैच खा रहा है कि नहीं, आपके मार्क्स मैच खा रहे कि नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच खा रहे कि नहीं, बाद में उसे तो चेक करने का है। तो आपको सिंपली आपको फाइंड एस्टेब्लिशमेंट के नीचे ऑप्शन दिखेगा, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा मैंने एक में अप्लाई किया है तो एक्टिव 1 है, जो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी अप्लाई करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट एजुकेशन डाल रहे हैं वो ध्यान से ही डालिएगा। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाइए।